गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका मेहता और लेकर आई हूं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी आप लोगों के लिए। आपको पता है सखा किसको कहते हैं? सखा कहते हैं दोस्त को। तो जो कृष्ण जी थे, जब वो गुरुकुल में पढ़ते थे तो उनके एक सखा थे सुदामा जी। अब कृष्ण और सुदामा इकट्ठे पढ़ते थे, उनमें बहुत अच्छी दोस्ती थी। और जब वो बड़े हो गए तो कृष्ण जी राजा बनकर अपने राज्य में चले गए और जो सुदामा था अपने घर चला गया। अब सुदामा के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, खाने पीने को बहुत अच्छी चीज़ें नहीं थी, उनका घर बहुत बड़ा नहीं था। तो जब उनकी शादी हुई तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप अपने सखा से, आप अपने कृष्ण से कुछ क्यों नहीं मांगते? वो आपके दोस्त हैं, आपकी मदद करेंगे। तो एक बार की बात है, जो सुदामा है उनकी पत्नी उनको कहती है कि आप जाओ और कृष्ण जी से मदद मांगो कि हमारा घर कितना छोटा है, टूटा फूटा है, खाने को ज़्यादा नहीं है, पैसे नहीं हैं, आप हमारी हेल्प करो। तो सुदामा कहती है मैं कृष्ण के लिए क्या लेके जाऊँ? तो वो पोटली में थोड़े से चावल बांध देते हैं। तो वो चावलों की पोटली लेकर जो सुदामा है वो कृष्ण के पास जाते हैं। तो जब वो गेट कीपर होता है, जो सुरक्षा का उनका अंगरक्षक होता है, वो पूछता है हाँ भाई किससे मिलना है? तो वो कहते हैं मुझे कृष्ण जी से मिलना है। तो वो अंदर जाते हैं, कहते कृष्ण जी आपका कोई दोस्त आया है सुदामा। तो कृष्ण जी आराम कर रहे होते हैं, वो नंगे पांव भागे जाते हैं, कहते अरे सुदामा तुम आए हो। उसको अंदर लाते हैं, उसके पांव धुलवाते हैं पानी से, उसको खाना खिलाते हैं, उसका बड़ा ध्यान रखते हैं। उस वक्त में बच्चों ना एसी था ना पंखा था, तो कृष्ण जी राजा होने के बावजूद उनको हाथ से पंखा करते हैं। आपके घर में पंखियाँ होती हैं ना, तो कृष्ण जी उससे पंखा करते हैं। सुदामा जी सो जाते हैं, ऐसे दो तीन दिन बड़ी हंसी खुशी बिताते हैं। तो अब जो सुदामा है उनको शर्म आती है कि मैं इतने बड़े राजा को ये चावल गिफ्ट कैसे कर सकता हूँ, है ना। तो क्या होता है, जो सुदामा है वो कहते हैं कि अच्छा अब कृष्ण, तीन चार दिन मुझे हो गए, अब मुझे घर जाना है। तो जब वो जाने लगते हैं तो कृष्ण जी कहते हैं ये पोटली में क्या है? कहते अरे ये तुम्हारी भाभी ने थोड़े से चावल दिए थे तुम्हारे लिए। तो वो कृष्ण जी चावल थोड़े थोड़े करके खाना शुरू कर देते हैं, कहते ये तो मुझे बहुत पसंद है। अब सुदामा कृष्ण से कुछ नहीं मांगते, मगर वो रास्ते में सोचते हैं कि कृष्ण तो भगवान है और भगवान को पता होता है हमें क्या चाहिए, मगर कृष्ण ने तो मुझे कुछ नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं। वो घर आते हैं तो देखते हैं उनकी जो टूटी फूटी झोंपड़ी है वो महल बन गई है। उनकी जो पत्नी है उसके पास इतने सारे गहने, इतने सारे कपड़े हैं, घर में कितना कुछ खाने पीने के लिए है। तो वो कहते हैं ये कैसे हुआ? कहते ये आपके दोस्त कृष्ण ने किया है। तो कृष्ण को कुछ भी नहीं बताया, मगर फिर भी सब पता चल गया। कैसे होता है कि आप कुछ सोचते भी नहीं हो, आपके मन में होता है, आप मम्मी पापा को नहीं बताते हो, मगर वो चीज़ आपको मिल जाती है और आप सोचते हो हाँ ये तो मैं अभी सोच ही रहा था। तो जो वाहिगुरु जी हैं, गॉड है, अल्लाह है, भगवान है, वो हमारे सबके दिल की जानते हैं। जैसे कृष्ण जी ने सुदामा के दिल की बात जान ली, ऐसे भगवान हम सबके दिल की बात जानते हैं। इसलिए जब भी आप भगवान से मांगें, अपने लिए भी मांगें और सबके लिए मांगें कि हे भगवान जी, दुनिया में हर कोई खुश खुश होना चाहिए। अगर पूरी दुनिया खुश होगी देन वी विल ऑल्सो बी हैप्पी, हम भी खुश रहेंगे, है ना। तो चलिए इसी खुशी खुशी में आज की स्टोरी को एंजॉय कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड वंस अगेन हैप्पी जन्माष्टमी। फिर मिलूंगी।